हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली स्पॉटिंग वाइवा की अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर वाइवा प्रैक्टिकल में होगा क्या, स्पॉटिंग कैसे होता है, क्या क्या किस तरीके से होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने पहले भी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जो कि वाइवा प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी ज़रूरी है स्पॉटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, तो उन सभी वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में मेनली हम लोग राइल्स ट्यूब यानी फीडिंग ट्यूब के बारे में समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पिछले साल या बहुत सारे के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राइल्स ट्यूब होता क्या है। राइल्स ट्यूब, फीडिंग ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। फीडिंग ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे फीड करवा सकते हैं, मरीज़ को खिला सकते हैं, दलिया जूस ये सब दे सकते हैं। जो मरीज़ मुंह से खा नहीं सकते उन्हें नाक के थ्रू या ट्यूब पेट में डाल दिया जाता है, तो नाक के थ्रू पेट में डालते हैं, इसीलिए नेजोगैस्ट्रिक यानी नेजो नोज और गैस्ट्रिक स्टमक, तो नेजोगैस्ट्रिक यानी पेट में डाला गया है तो इसीलिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा गया। फीडिंग यानी खिलाया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, इसलिए फीडिंग ट्यूब भी कह सकते हैं और मेनली इसे राइल्स ट्यूब कहते हैं। अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है एडल्ट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, ओल्ड एज वाले लोग के लिए, पेशेंट्स के लिए अलग अलग कलर के राइल्स ट्यूब यूज किए जाते हैं। तो मेनली अब समझते हैं कि ये क्या है। तो राइल्स ट्यूब एक तरह का ट्यूब है, एक तरह का कहें तो आइटम है जिसका यूज किया जाता है मरीज को फीड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नोज़ के थ्रू इसे हमारे स्टमक में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। स्टमक वॉश भी कर सकते हैं, एस्पिरेशन भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है राइल्स ट्यूब, उसके पार्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे इमेज में मैंने राइल्स ट्यूब दिखा रखा है जो कि 14 नंबर का है, 14FG का ये राइल्स ट्यूब है, ग्रीन कलर का है। और इसमें देखें तो मेनली यहाँ पे लेटरल आई है, ये जो पार्ट है बहुत ठीक हो गया, इसको पतला कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है वो क्या है, तो मेनली टिप है, ठीक। इसके आगे ये जो छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है वो लेटरल आई है। इसके आगे यहाँ जो ये लाइनिंग है वो रेडियो ओपेक लाइन है, जो कि अगर कभी भी ये ट्यूब पड़ा होता है तो मरीज़ का अगर एक्सरे होता है तो ये हमें पता चल जाता है कि ये ट्यूब मरीज़ के बॉडी में है, ठीक है। यानी ये एक तरह का ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू पता चल जाता है एक्सरे में। और फिर आपका जो है यहाँ पे ये सब जो है इसका बॉडी है यानी ट्यूबिंग है, जो कि PVC से पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। फिर ये लेंथ मार्किंग भी यहाँ पे की गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब लेंथ मार्किंग है। ये जो है कैप है यानी लॉक है, ड्रेनेज पोर्ट का लॉक यानी कैप है जिससे कैप कर देते हैं यानी लॉक कर देते हैं। तो ये ड्रेनेज पोर्ट विद लॉक है। यहाँ लेंथ मार्किंग है, ये इसका बेस है, ठीक है, ये बेस है। तो यहाँ पे समझ गए हम लोग, तो यही मेन इसका पार्ट है। अब नेक्स्ट इमेज में अच्छे से समझ लेते हैं। और तो ये सब वही सेम चीज़ है जो आपने अभी देख रखा था। ये ड्रेनेज पोर्ट है लॉक के साथ, ये बेस है, ये सारी ट्यूबिंग है, यहाँ पे रेडियो ओपेक लाइन है इस तरीके से ट्यूब के अंदर। और फिर देखें तो आगे में टिप है, यहाँ लेटरल आई है, ये सब बॉडी है। तो यही सब पार्ट्स हैं मेनली। अब आगे देखें तो इसका कलर कोडिंग है, और ये जो है सिंगल ल्यूमन का राइल्स ट्यूब हमारा ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो है ये जो पोर्शन है वही है कि ड्रेनेज पोर्ट है विद कैप है, इसका बेस वगैरह शो किया है अच्छे से। फिर यहाँ पे जो नंबर और कलर है वो आगे देख लेते हैं। तो मेनली इसका जो यूनिट है, साइज़ जो है वो FG से शो करते हैं। तो जो 6FG का, 6FG का जो है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का जो है वो 8FG का होगा, 10FG का ब्लैक कलर का होगा, 12FG का वाइट कलर का होगा, 14FG का ग्रीन कलर का होगा, 16FG का ऑरेंज कलर का होगा, और 18FG का रेड कलर का होगा, 20FG का येलो, और 22FG का वॉयलेट, और 24FG का लाइट ब्लू कलर। तो ये सारे कलर कोडिंग आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन तो आते ही हैं कि 14 नंबर, 16 नंबर का जो राइल्स ट्यूब है किस कलर का होता है, और एडल्ट्स में कौन सा राइल्स ट्यूब मोस्टली यूज करते हैं,
तो मेनली 14, 16, 18 यही सब एडल्ट्स में यूज किया जाता है राइस ट्यूब। और जो बच्चे हैं ओल्ड एज में हैं उनमें 8, 10, 6 ये सारे जो राइस ट्यूब हैं वो यूज किए जाते हैं। कलर कोडिंग में ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन कलर का राइस ट्यूब या ऑरेंज कलर या वॉयलेट कलर का राइस ट्यूब कितने FG का होता है, कितने नंबर का। तो ये सब भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आए और आपको याद ना रहे तो याद पूरा कर लीजिएगा तो अच्छा एग्जाम जाएगा। अच्छे से स्पॉटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल दीजिए। और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कशन कर रखा है, इससे एक्स्ट्रा जो भी पूछा जाए तो आपके लॉग बुक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के टॉपिक से पूछा जाएगा, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे मेरे वाइवा प्रैक्टिकल में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करूँगी। फिलहाल ये टॉपिक्स हैं स्पॉटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के, तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।